हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक एसईओ और इनऑर्गेनिक एसईओ क्या होता है और ये आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि कौन सा रिजल्ट ऑर्गेनिक है और कौन सा रिजल्ट इनऑर्गेनिक है। तो पहली बात तो मैंने जो वर्ड बोला एसईओ करके उसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे गूगल पे जाके मैं यहाँ पे डालता हूँ GST बिलिंग सॉफ्टवेयर। SEO का जो फुल फॉर्म है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो मैंने जैसे ही GST बिलिंग सॉफ्टवेयर डाला तो ये जो मैंने कीवर्ड डाला है ये कीवर्ड के रिगार्डिंग जिस भी वेबसाइट का रिजल्ट टॉप में आया होगा उसे हम लोग SEO के थ्रू लाते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू लाते हैं। तो ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ये आपके वेबसाइट को प्रॉपर करके या ऑप्टिमाइज करके हम टॉप पे ला सकते हैं। अगर समझिए GST बिलिंग सॉफ्टवेयर के 500 कंपनी है तो गूगल क्या करेगा, 500 वेबसाइट फर्स्ट पेज पे नहीं दिखाएगा, वो कुछ वेबसाइट फर्स्ट पेज पे दिखाएगा। तो वो कौन से वेबसाइट को चूज करेगा फर्स्ट वेब पेज पे वो SEO से डिसाइड करता है। मतलब जिस वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होगा उसे वो टॉप पे लेके आएगा। तो यहाँ पे ये हमने देखा कि SEO क्या रहता है, जिनको वो टॉप पे लेके आता है किसी कीवर्ड के लिए उसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। अभी ये जो रिजल्ट आता है ये दो टाइप का आता है, एक जो आता है वो ऑर्गेनिक SEO के थ्रू आता है, एक इनऑर्गेनिक SEO के थ्रू आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो AD लिखा हुआ है, ये वाले रिजल्ट में भी AD लिखा हुआ है, यहाँ पे भी AD लिखा हुआ है। फिर मैं नीचे आता हूँ, ये मगर AD नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट आ गया। तो ये जो वेबसाइट है ये ऑर्गेनिक रिजल्ट के थ्रू आया, मतलब इसने अपने वेबसाइट के अंदर ऐसे कंटेंट लिखे हैं जिसके वजह से इसका रिजल्ट टॉप पे आया। और इसके ऊपर के जो दिख रहे हैं आपको, मतलब ये जो URLs दिख रहे हैं, ये टॉप जो चार के URL दिख रहे हैं वो इनऑर्गेनिक SEO के थ्रू है, मतलब इन्होंने पेड ऐड किया हुआ है। जब भी आप पेड ऐड करते हैं और उससे जो रिजल्ट आता है उसे इनऑर्गेनिक SEO बोलते हैं, और जो बिना पेड ऐड किया आता है उसे हम ऑर्गेनिक SEO बोलते हैं। तो ये दो टाइप के SEO है जिसके थ्रू आप आपके वेबसाइट को टॉप पे ला सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका वेबसाइट तुरंत टॉप पे आ जाए बिना आपके वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किए तो आप पेड ऐड यूज़ कर सकते हैं। मगर आप ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो आपने आपके वेबसाइट के ऊपर काम किया है उसके अंदर जो ब्लॉग्स लिखे हैं या आपने जो कंटेंट डाला है उसके वजह से आपका वेबसाइट टॉप पे आए तो आपको ऑर्गेनिक SEO करना होगा। ये जो ऑर्गेनिक SEO है और इनऑर्गेनिक SEO है इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो आगे आने वाले वीडियोस में डालेंगे। तो अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।